हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजू मलिक। तो आज मैं ना सुनीसा फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करूंगी और बताऊंगी वो किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता भी है कि नहीं। तो चलो अब देखो, ये मैंने सुनीसा फाउंडेशन मंगाया है, ये मैंने मीशो से मंगाया है ना, और ये इस तरीके की पैकिंग में आया है। मैं आपके सामने इसको ओपन करूंगी। देखो ये पर ये रेफर आया है ना, और ये चाइना प्रोडक्ट है। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि चाइना वाले तो सारी चीजें ही नकली बना देते हैं। तो चलो देखो, मैं बताऊंगा आपको। इस तरीके से देखो आया है, इस तरीके से। ये तो देखो वो फाउंडेशन है, और ये ना ब्लेंडर है। इसमें बताती हूँ, पहले मैं आपको फाउंडेशन बता देती हूँ। देखो इस तरीके से ना, ये प्यारी सी डिब्बी है, मतलब इसकी जो पैकिंग वो तो काफी अच्छी है ना। इसको मैं आपको ऊपर करके, ये देखो ये इसमें ये आया हुआ है। तो देखो इसके ऊपर है ना, ये मतलब छोटा सा शीशा आया हुआ है। इसमें ना वो होता है ना, एक पॉलिथीन लगी होती है उसको। तो देखो ये छोटा सा ना मिरर आया हुआ है, ये जो कि अपने काम आई जाएगा। अब इसको और देखते हैं। देखो खुल गया, इस तरीके से आया है। देखो मैं दबाती हूँ, थोड़ा बहुत निकल रहा है इसमें से, है ना। ब्लेंडर होता है ना, छोटू सा ब्लेंडर आया है। मतलब चाइना वाले चीज देखने में तो अच्छी बनाते हैं कि ये चीज देखने में तो अच्छी है, तो अभी तक तो ये अच्छी ही है। अभी इसको यूज करेंगे फाउंडेशन को, उसका रिजल्ट क्या रहता है तब पता चलेगा कि भाई चीज अच्छी भी है कि ऐसी है। देखो ये ब्लेंडर, अब मैं इसको ना पानी में डिप करूंगी और देखूंगी इसका साइज। बन में डिप कर दिया, हाँ ये देखो जैसे ब्यूटी ब्लेंडर होता है, सेम ब्यूटी ब्लेंडर है। इसको मैंने पानी में डिप किया तो इसका साइज बड़ा हो गया है ना। अब मैं इसको लगा के दिखाऊंगी। इससे पहले क्या करना है, चाइना आइटम है, डायरेक्ट नहीं लगाना अपनी फेस पे ना, क्योंकि यकीन ही नहीं करना चाइना वाली चीजों पर। लेकिन अपन को लगा के चेक तो करना है, क्योंकि चेक करने वाली आदत तो हम सब की है। तो अपने फेस को अच्छे से पहले स्किन केयर कर लो। फेस वॉश मैंने कर लिया है अपना, है ना। इसके बाद टोनर यूज करते हैं ना, वो लगाऊंगी मैं। टोनर यूज लव अर्थ का जास्मिन फेस मिस्ट टोनर यूज करती हूँ, क्योंकि ये टोनर मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी देता है, स्किन हाइड्रेट भी रखता है। तो वही चाइना की चीज यूज करने से पहले अपने फेस को अच्छे से स्किन केयर कर लेते हैं ना। फेस वॉश मैंने कर लिया था पहले, टोनर मैंने ये लगा लिया। अब इस टोनर को थोड़ा सा सूखने के बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मैं थोड़ी सी इसको फेस पे लगा लूंगी, क्योंकि हम कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो पहले अपनी स्किन को अच्छे से है ना CTM कर लिया करें, जिससे क्या है कोई भी नुकसान होगा तो हमारी फेस पर कोई भी नुकसान नहीं आएगा। इसको मैंने अच्छे से मैंने ना स्किन केयर कर लिया। अब हम प्रोडक्ट लगाने के लिए, हमारी स्किन है ना तैयार हो जाती है। तो अब ये प्रोडक्ट लगाना है, अपनी ओपन पोर्स में नहीं जानी चाहिए, तो अपन को क्या लगाना है, प्राइमर लगाना है। मैं प्राइमर और लगाने के लिए, जिससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ओपन पोर्स होते हैं बस इस तरीके से लगा लें, है ना। अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर लूँ, है ना। ये ना पता किस टाइप की, जैसे BBCC क्रीम होती है ना, उस टाइप की, बिल्कुल लाइट वेट है। मतलब लग नहीं रहा है कि हम कुछ लगाया है हमने, है ना। तो देखो डिफरेंट देख सकते हो ना, गोरी, ये तो मैं गोरी हो गई भाई, इससे तो वही गोरी हो गए, इससे तो हम गोरे भी हो जाएंगे। चलो ये अब हुई हाथ की बात अपनी। देखो अब मैं इसको इस पे ना मैं पानी डालूंगी। देखो तुम देखो, खुद ही वाइट वाइट निकल रहा है ना। हाँ
देखो ये पानी से पूरा निकल गया ना, पानी वाला तो फेल है, इसमें हम पानी वाला यूज करेंगे तो बिल्कुल निकल गया, जैसे हम साबुन लगाते हैं ना इस तरीके से पूरा निकल गया। अब मैं इसको क्लीन करके देखती हूँ। कोई अच्छा रिव्यू नहीं है इसका, ठीक है कोई काम को ले मत लेना, मैं पागल बन गई तुम मत बनना। पूरा निकल गया मतलब पानी डाला थोड़ा सा मैंने, पूरा निकल गया मेरा तो। अब तो देखो इस तरीके से मैंने इसको फिर से लिया, मैं इसको ना आंख पे भी लगाऊंगी। मैं ना आपको आधी फीस पे लगा के दिखा देती हूँ। ये मैंने लगा ली, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। फिनिशिंग तो अच्छी है लेकिन पानी डालेंगे पसीना आ गया तो पूरा निकल जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी अपनी। तो देखो आप करीब से देखो, फिनिशिंग अच्छी है मतलब जैसे बीबी क्रीम होती है ना उस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पानी डालो और निकलेगी नहीं। मुझे तो सही बताऊं मतलब अच्छी नहीं लगी, मतलब सब अब तक की दी ना सबसे घटिया यही है। अब मैं आपको पूरी फेस पे बता देती हूँ इसको लगा के। है सुनीसा फाउंडेशन मैंने यूज करके ये मेकअप कर लिया लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये फाउंडेशन। मैं इसको खोल कर दिखा देती हूँ इसमें क्या भरा हुआ है, क्या आएगी। देखो मैंने इसको खोल के देखा कि इसके अंदर ऐसे है क्या, तो कुछ नहीं है। बीबी क्रीम में भी इन्होंने ऑयल मिला दिया है ना, एकदम ऑयली ऑयली सी स्किन हो गई है इससे लगाने के बाद, है ना। मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। इसको बस घसते रहो आप, है ना। ये अंदर से भी देख लो इसको, पहले देख लो खूब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बताना बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, बाय बाय।